मैं आपसे जो जो भी बात मैं आपके सामने रखूंगा अर्पिता जी, आप अपनी रिसर्च टीम से कह सकते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इस चैनल पे बता दीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित गोवा में, कर्नाटका में, हिमाचल में, पुडुचेरी में 18 साल है उम्र अल्कोहल की। अब मैं दिल्ली का बताता हूं, दिल्ली में 21 साल है, और जहां दिल्ली में 21 साल है वहां पे इनके तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पे 21 साल है। अब मनोज तिवारी जी आपके यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि जी दिल्ली के अंदर 18 है और उनके माँ बाप का क्या होगा। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा शासित राज्यों के अंदर 18 साल है भैया, हमारे यहाँ तो 21 साल है। दूसरी बात, अभी जो हमारे एक महान आदमी प्रवचन दे रहे थे कि देश का क्या होगा, मैं उनको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, देश की चिंता तो करनी चाहिए, मगर उस गुजरात का क्या होगा जहां पर शराबबंदी है, ड्राई स्टेट है, मगर वहां पे हर हफ्ते कुछ लोग जो है नकली शराब पीने से मर जाते हैं। पिछले हफ्ते 72 लोग नकली शराब पीने से मर गए। गुजरात के हर गांव के अंदर शराब उपलब्ध है, हर ठीक है, शहर के अंदर आप फोन कर दीजिए, आपको शराब डिलीवर होती है। तो अर्पिता जी सवाल सिर्फ इतना है हाँ कि क्या इतना बड़ा नकली गैर कानूनी शराब का ठीक है नेटवर्क सर, मैं इसको जिसमें जवाब ले लूंगी। जरा एक सरकार चीज को मुझे ये कुछ नहीं बता मिल दीजिए, रहा, जो आरोप वो आप हुए, कैसे आपने चल रहा आपने है? सारे सारी चीजों का तो जवाब दिया। चार नियम के बारे में कहा जाता है, जिसकी वजह मुख्य सचिव ने भी जवाब मांगा था आपकी सरकार से, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010, इन सबका उल्लंघन हुआ था कि नहीं हुआ सर? अब देखिए अर्पिता जी, ये पता है क्या, ये वो लड़ाई है हाँ जो एलजी बनाम चुनी हुई दिल्ली सरकार की लंबी लड़ाई है, जिसमें वो हर चीज को कहते हैं कि हर चीज एलजी के नहीं नहीं पास सर, भेजी ये जाए, हुआ कि नहीं हुआ और मैं ये दिल्ली समझना सरकार, चाह रही हूँ, हाँ मैं क्योंकि यही बता कैबिनेट रहा के हूं, समक्ष मैं भी आपको ये तफसील प्रस्ताव से नहीं बता रहा रखा हूं, गया। तो ये जो सिर्फ प्रोसेस मामला का सर इतना वो है, प्रोस्टली पहले अभी ये आपने सिर्फ आंकड़ों में गिना दिया सर, आप ये भी नहीं बता पाए जी कि कितना प्रॉफिट हुआ आपने गिनाया। वो ये पूछ रहे थे नहीं, मनोज तो जी कि आपने जो मेरे को प्रॉफिट मौका क्या हुआ दिया, मैं वो तो आपको पैसे सब कुछ कहाँ बता गए दूंगा। सर, वो पैसे कहाँ गए, अर्पिता वो ये जी आप पूछ मेरे रहे को थे। समय दो, एक एक सवाल पूछो, नहीं एक सर, एक का सबसे ज्यादा जवाब ले आपको लो मैंने मुझसे, समय मेरे दिया, पास हर लेकिन आप सवाल का पॉइंटेड जवाब है। चीजें नहीं बोल रहे ना, आप पॉइंट पे नहीं बता रहे, आप इधर उधर इतना घुमा रहे हैं सर, समय पूरा निकला नहीं जा रहा है। बताइए ना कहाँ घुमाया मैंने, मैंने नहीं आपको आप पूरी पॉलिसी के सर, बारे मैंने में सिंपल सी बताया, चीज पूछी आपसे, आपने ये जो जो आप 144 चार करोड़ नियम के मैं बारे में बता रही हूँ पूछा, जिसका मैंने उसके रिपोर्ट बारे में में जिक्र बताया, है सर, उसको नियम टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं ये बताइए सर, हाँ या नहीं ना? में टूटे, बिल्कुल नहीं भी नहीं टूटे, टूटे कैबिनेट के पास मैडम, गया था ये बिल्कुल भी नहीं प्रस्ताव सर, टूटे, कैबिनेट के पास ये प्रस्ताव बिल्कुल भी नहीं गया? टूटे। और ये नियम का ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसके लिए क्या नहीं नहीं 31 सर, जगह आपने छापे मारे कैबिनेट जाते के हैं? समक्ष रखा था ये प्रस्ताव, क्या क्या कह रहे हैं कैबिनेट के पास रखा था ये प्रस्ताव? मैडम? ये प्रस्ताव जो है, छोटे छोटी चीजें, ये हाँ तो एक्साइज मिनिस्टर आज से नहीं, 20 सालों से दिल्ली में और हर राज्यों में छोटे छोटे फैसले हर जगह करता वाह, है। मैंने अपने तो आप से इनको हो जाते एग्जाम्पल हैं, दिया, हाँ मतलब मैंने अपने आप इनको से हो जाते हैं एग्जाम्पल सर। दिया कि रेलवे बोर्ड ने वाह जो ठीक एक, है, जो समझ गया लाइसेंस सर, माफ बहुत किया, क्या उन्होंने शुक्रिया। बोर्ड में रखा, उन ठीक लोगों है ने उसको मनोज जी, उसमें रखा मनोज जी कैबिनेट देखिए, में? अब एक सवाल तो आपसे भी उठता है भाई, अगर देखिए ईडी के एक्शन की बात कर लें, सीबीआई के एक्शन की बात कर लें, विपक्ष कहता है हर बार आप इनके एक्शन करा देते हैं, आंकड़े भी तो अब झुटलाए नहीं जा सकते। 8 साल में 5 गुना ईडी के एक्शन बढ़े हैं, ईडी के एक्शन से पहली बार 1 साल के भीतर 3 राज्यों के 4 प्रभावशाली मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है। तो सर आप भी तो शायद डरा ही रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आरोप बड़ा लगता है सर, आए दिन ईडी और सीबीआई की छापेमारी दिखती रहती है हर जगह। हम बिल्कुल न डराते हैं, न डराने में विश्वास करते हैं, और न तो किसी से डरते हैं। ये आज दो बातें अभी मैं यहाँ से चर्चा से निकल करके तुरंत एक पेपर आज तक को भेज रहा हूँ, जी इन्होंने कहा है कि 18 साल की उम्र नहीं की गई है, इन्होंने पक्का 21 पक्का साल की उम्र को 18 साल नहीं किया है, ऐसा सौरभ जी ने बताया। मैं कह रहा इन्होंने हूं, कहा बिल्कुल कि 3 बजे रात तक शराब पीने की छूट नहीं दी गई, नहीं तीन दी बजे गई है, रात तक शराब पीने की अभी छूट तक नहीं नहीं दी दी गई गई, है, इन्होंने आज अभी तक कंफर्म वो नहीं किया। हुआ है। तो ठीक है, चलिए ये दो मुद्दे बहुत ही संगीन हैं। उसके बाद जी जो ये बात आज अभी बोल गए सौरभ जी, ये कह हाँ रहे कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे कैबिनेट में ले जाने के लिए नहीं होते हैं। वाह बिल्कुल ठीक बात सौरभ है, जी, आप एक विधायक हो के आप इन इन मुद्दों को, जहां पर 10-10 हजार करोड़ का घोटाला हो, वहां पे आप इनको, उन मुद्दों को बिल्कुल छोटा कहते हैं, तो आपकी जो मानसिकता है, जो आपकी बात है, इसके आधार पे आप तय करके आए हैं कि यहां आपको सब झूठ बोलना है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी वो झूठ की मशीन बन गए हैं, अब आप इसी तरह की बातें करेंगे तो न तो ये बहस का टाइम, आज तक का टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब है। इन तीनों बिंदुओं पे मैं अभी
दो घंटे के अंदर मैं आज तक को अपने पेपर्स भेजूंगा। इन्होंने 18 साल भी उम्र किया है, इन्होंने रात के 3 बजे तक भी शुरू किया है और इन्होंने ये सारी पॉलिसी 1 साल 2 महीने तक चलाई है। ठीक है मनोज जी, जिसके आधार पर हम अलग अलग राज्यों में रहे हैं, मेरा मानना है, जहां पर बीजेपी इस वक्त सत्ता में है वहां सर आप उस पर क्या कहेंगे, वो बातें सही है या गलत है जो आरोप सरासर झूठ बोल रहे हैं? वो भी सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप रिसर्च कर लीजिए, वो तो गूगल पे है, झूठ बोल रहे हैं। ये लिखा आपके सारे राज्यों की लिस्ट लिखी हुई है जहां 18 साल है, थोड़ी देर में दिल्ली में 21 है, हाँ गूगल पे है, हाँ ये आपके मोबाइल में लिखा होगा। अरे गूगल पे है भाई, गूगल पे, इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस में आज तक को सारी चीजें भेज, हाँ इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ भैया। अरे भाई गूगल तो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपे होने से न्यूज नहीं होती है, आप कोई कागज दिखाना चाहिए सौरभ जी। नहीं नहीं हम शासनादेश आपको भेजते हैं। अरे आप अखबारों के न्यूज पे जाते हैं, अखबार के न्यूज गलत भी हो सकते हैं, अखबार के न्यूज फेक भी छपवाए जा सकते हैं। आपने सुनिए, इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको बड़े ध्यान से, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी में 18 साल उम्र है। अब गोवा में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, 18 साल उम्र है। इसके अंदर लिखा हुआ कि दिल्ली के अंदर, झारखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 21 साल है, लिखा हुआ है इसके अंदर साफ साफ। देखिए अखबार ने अगर खबर छापी है तो उसका कुछ आधार होगा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, देश का बड़ा अखबार है, तो उसका कुछ आधार होगा, शासनादेश के आधार पर छापी होगी। अब वो तो अखबार की जिम्मेदारी है, और अगर गलत है तो मैं मनोज जी से कहूंगा कि अखबार पर दावा करें, अगर उसने गलत खबर छापी है और इनकी पार्टी की सरकारों को बदनाम करने की कोशिश की उस अखबार ने, तो उस पर दावा करें, उसका जवाब अखबार देगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आपने देखिए इस पूरी बहस में मनोज जी और सौरभ जी और मनोज जी के बीच में जो बहस हुई, इसमें राजनीति ज्यादा दिखाई पड़ी, तथ्य पर बात कम हुई है। दोनों तो अब वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल ये, इसका फैसला कौन करेगा, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला तथ्य करेंगे। अब दोनों को अपने अपने तथ्य दिखाने चाहिए। जी मनोज जी, विनोद जी, विनोद जी, आप एक आपराधिक मामला को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। यहाँ घोटाला हुआ है, सीबीआई ने केस दर्ज किया है, एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी मांगी है, वो तो मनोज जी, भाई साहब किस एंगल से आपको ये राजनीतिक लगता है? तो आप अरे राजनीति किस एंगल से लगता है मनोज जी, आप एक आपराधिक मामले को, अरे भाई वो आपराधिक मामला तो मनोज जी सीबीआई कर रही है, आप सीबीआई के, मैं देखिए मैं तो एक राजनीतिक पत्रकार हूं, मेरा काम है हर चीज में राजनीतिक एंगल तलाशना, क्योंकि राजनीतिक एंगल इस देश में हर मामले में होता है, बोफोर से लेकर 2G तक, सुनिए बोफोर से लेकर 2G तक जो है सीबीआई की जांच, मनोज जी सुनिए, बोफोर से लेकर 2G तक जो है सीबीआई की जांच हुई और कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ आज तक। पूरी यूपीए सरकार 2G में फंस के गिर चली गई और कोर्ट ने उसमें घोटाला ही नहीं हुआ, तो आखिर अदालत में भरोसा करना पड़ेगा ना। तो मैं तो राजनीति तो इन्हीं पर होती है, इन्हीं चीजों पर होती है, वो फोर्स में लगातार राजनीति हुई, एक आदमी को सजा नहीं हुई, और दोनों समय देखिए आपकी सरकार केंद्र में थी, आप आगे गए नहीं, ना वो फोर्स में सुप्रीम कोर्ट में गई सीबीआई, ना 2G में हाईकोर्ट, इसमें गई हाईकोर्ट में, तो क्या माना जाए इसको? इसलिए मुझे लगता है कि हर मामले में राजनीतिक लड़ाई शुरू हो जाती है और आपराधिक मामला पीछे छूट जाता है, इसलिए सीबीआई को जांच करने दीजिए, कोर्ट में बात आने दीजिए और कोर्ट में इस मुद्दे का फैसला होना चाहिए। विनोद जी आपकी बात में पूरी सुन लिया, मेरा 2 लाइन सुनिए, देखिए इसी तरह के स्टेटमेंट्स इस देश में अपराधियों को बचाते रहे हैं, पत्रकार हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मामला आपराधिक है, दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटी। आप सीबीआई को अगर पत्रकार हो के राजनीतिक बोलेंगे तो सीबीआई को बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ एक घोटाला हुआ है। नहीं नहीं मनोज जी, मैं सीबीआई को राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके और सौरभ जी के बयानों को राजनीतिक बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई को कतई राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई जांच कर रही है, चार्जशीट देगी, कोर्ट में फैसला होगा। मैं तो आपके और मनोज जी के बीच जो विवाद हो रहा है उसको राजनीतिक बोल रहा हूँ। नहीं तो हम तो एक भी सवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं जो सीबीआई नहीं पूछ रही है, हम तो सारे वही सवाल कर रहे हैं जो केस है। मैंने ये थोड़ी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी कितनी कैसे तिरंगा को हमारी बात। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मनोज जी के आंकड़े इतने हल्के हैं
ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई है और अभी नवंबर 2022 आया नहीं है, और ये मुझसे पूछ रहे हैं एक साल दो महीने का कितना रेवेन्यू आया ये बताइए। इनको कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, इनके सारे आंकड़े गलत है, इनको ये भी नहीं पता, वो भी गलत है, वो बिल्कुल झूठी बात जो है इन्होंने ले रखी है उसको चला रहे हैं। आप बताइए चार्जशीट के अंदर इन्होंने जो FIR दर्ज करी है वो पता कितने पेज की FIR है, एक पेज की FIR, और उसके अंदर सारी बात क्या लिखी हुई है सीबीआई ने। तो पिछली बार तो आप कह रहे थे 400 पेजों की रिपोर्ट तैयार हुई थी, फिर कुछ नहीं हुआ, हो सकता है सर एक पेज की हुई हो तभी मनीष सिसोदिया को लग रहा है कि गिरफ्तारी हो गई है। एक पेज की FIR है सौरभ जी, और सोर्सेज के ऊपर आधारित है, जान नहीं बचने वाली है, और ये इतनी इतना ज्ञान सौरभ जी इससे मनीष सिसोदिया की जान नहीं बचने वाली है। नहीं पता इनको, इतना भी नहीं पता कि अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ पॉलिसी का, नवंबर में आई थी पॉलिसी पिछले साल, अभी नवंबर आया भी नहीं है ये कह रहे हैं। और सौरभ जी बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी मछली तो अरविंद केजरीवाल है, अभी अगर मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाते हैं तो सारी असली बड़ी मछली नहीं, असली टारगेट ही अरविंद केजरीवाल है, सत्येंद्र जैन को क्या लेना देना, मनीष सिसोदिया से क्या लेना देना, टारगेट अरविंद केजरीवाल है, टारगेट अरविंद मोदी जी ने ऑर्डर दिया हुआ है। मनोज जी 2024 में अब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं और इसीलिए आप लोग उनको निशाने पर ले रहे हैं। जल्दी से आखिरी कमेंट सर, खत्म करना है मुझे। अरे ऐसे ऐसे 30 लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं, करिए, लेकिन इनके सांसद बोलते हैं हम शराब नीति से हमारा लेना देना है, हमारा कोविड से लेना देना नहीं है, तो ऐसे लोगों के इन स्टेटमेंट को हम कुछ नहीं बोलेंगे। सब सीबीआई इंक्वायरी करे, मैं आपको तीन बातों का जवाब दूंगा जो आज सौरभ जी ने झूठ बोला है और वो पेपर में भेज रहा हूँ आज तक को, मुझे आप उसको जग जाहिर करिए, मैं आपको तुरंत उसको एक घंटे के अंदर भेज रहा हूँ।